तो अगली सही कमांड आप, कहा। हाँ जी बोलो, ये जो आपकी है रे कमांड। रे कमांड में क्या होता है कि एक साइड आपकी इनफाइनाइट जाती है और एक तरफ आपका क्या होता है इसमें एंड पॉइंट होता है, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन लाइन की हाफ है। क्या है ये? कंस्ट्रक्शन लाइन की हाफ है और इसका भी वही काम होता है जो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का होता है। ये वाला छोटा है और कंस्ट्रक्शन बड़ा बड़ा वाला है, है, उसका वो कुछ दोनों साइड जाता है। लास्ट नहीं है। हाँ जी हाँ सर, सर वंस रिपीट सर, आई डिडंट हियर। ओके, ये आपकी रे कमांड है डियर, रे RAY। इसकी शॉर्टकट की भी क्या होती है? RAY ही होती है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, इसमें स्टार्ट पॉइंट तो आपको पता होता है लेकिन एंड पॉइंट इसका नहीं पता रहता आपको, क्योंकि एंड पॉइंट ओके इसका एक साइड आपका इनफाइनाइट तक जा रहा होता है। ओके अब इसमें आपकी नेक्स्ट कमांड आती है क्या? पॉइंट। क्या आती है? मल्टीपल पॉइंट। पॉइंट पॉइंट मतलब क्या होता है कि, मल्टीपल पॉइंट। हाँ जी, क्या आपको ये पता है पॉइंट की डायमेंशन क्या होती है? क्या होती है बताओ? सर्कल विद जीरो रेडियस। तो इट मींस इट्स हैव नो डायमेंशन, यस सर। विच हैव जीरो रेडियस का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है उसकी। यस सर। तो आप यहां से मल्टीपल पॉइंट लेंगे और क्लिक कर सकते हैं। तो देखो ये आपको क्रॉस से दिखा तो रहा है ग्रीन कलर से, लेकिन जैसे ही वो अनसेलेक्ट हुआ तो आपको एक डॉट सर दिख रहा एक है। पॉइंट हो गया होगा। हाँ, और अगर आप यहाँ पे सर इस लाइन पे लगा दोगे पॉइंट तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये भी रह जाएगा। हाँ, तो आपको नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है ना, आप सिलेक्ट करोगे तब आपको क्लोज एक हो डॉट जाएगा दिखेगा। आपके। तो अगर हम इस पॉइंट स्टाइल का जो सिंबल है वो चेंज कर दें तो शायद हमें दिख जाए। तो वो आप कहां से करोगे? यूटिलिटीज में जाके, ये रहा आपका पॉइंट स्टाइल। और अभी देखो डॉट दिख रहा है, तो आप यहां से क्रॉस कर दो या ये लगा दो या ये कर दो या सर्कल बना दो उसके ऊपर। तो ये सिंबल्स हैं उसके, उस डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये क्रॉस ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखो अब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, एकदम क्लियर है सर। तो तीनों पॉइंट भी दिखा रहा है। हाँ, बाकी के तीनों पॉइंट भी दिखाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको पॉइंट? हाँ सर, अगर अगर पॉइंट आपको नहीं देख पा रहे हो तो पॉइंट स्टाइल में जाकर के उसका चेंज कर सकते हो, साइज साइज क्या सिंबल स्टाइल चेंज कर चेंज सकते करके देखना है। हो। हाँ जी, और इसको कोऑर्डिनेट से भी आप पॉइंट दोगे तो वहां पे कोऑर्डिनेट पे जाकर के ये पॉइंट लग जाएगा अपने आप। अब देखो, अब हमारे पास आती हैं दो कमांडें, दोनों का सिमिलर जैसा ही फंक्शन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला है डिवाइड और दूसरा क्या है? मेजर। पहला डिवाइड, दूसरा मेजर। अब देखो, एक मैंने लाइन बनाई। क्या बनाया? लाइन जिसका डिस्टेंस है 20। ठीक है, अब मुझे ये डिवाइड करना है। कमांड का नाम है डिवाइड। जो हम कमांड पढ़ने वाले उसका काम नाम क्या है? डिवाइड। डिवाइड डिवाइड से क्या समझते हो? डिवाइड कर। हाँ, डिवाइड से क्या समझते हो सर? किसी पूरी चीज को तोड़ने तोड़ के डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स में ना? हाँ सर। तो कितने पार्ट में डिवाइड करनी है आपको ये लाइन? फोर पार्ट में कीजिए सर। ठीक है, फोर पार्ट में करते हैं। 25 सर करके। तो ये आपका डिवाइड सिंबल है, यहां से एक्टिवेट कर सकते हो। और या फिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? DIV। क्या शॉर्टकट की होती है?
अब क्या बोल रहा है वो आपसे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइड, तो ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो इस लाइन को. अब आपसे क्या मांग रहा है, इंटर ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट्स और मतलब कितना टुकड़े में काटना है. हाँ, तो आपने कितना बताया था मुझे, चार, तो चार डाल दो. तो ये आपकी लाइन, ये सिंबल आ रहा है, ये पॉइंट स्टाइल के ही सिंबल है आपके. अगर आपने पॉइंट स्टाइल चेंज नहीं किया होता तो इस पे डॉट डॉट बन के आ जाता जो आपको दिखाई नहीं देता. तो इस केस में भी आपको पॉइंट स्टाइल चेंज करके देखना पड़ेगा. तो ये लाइन देखो आपके फोर पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई. हाँ सर, ठीक है. लेकिन ये लाइन कहीं से भी ब्रेक नहीं हुई है, ये लाइन आपकी कंटिन्यू हुई है. बस आपको उस पर नोड पॉइंट दे दिए हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल पार्ट में है. ठीक है. अब मैंने एक और लाइन बनाई 20 की. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट कमांड में आपको बताने जा रहा हूं मेजर क्या है. मेजर, मेजर, हाँ. इसमें क्या होगा, ये भी डिवाइड ही कर रहा है, देख लो आपने देख रहे हो, वही तो सर दिखा रहा है. हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा, अभी लास्ट वाले डिवाइड में आपने दिया था नंबर ऑफ सेगमेंट्स. हाँ सर, और आपको नहीं सर नंबर ऑफ साइज देना पड़ेगा. हाँ जी, एक एक सेगमेंट का नंबर ऑफ साइज दे दो, बाकी जितने भी सेगमेंट उसमें बन सकेंगे उतने सेगमेंट उसमें बना दे, उतना सर ये बना देगा. हाँ जी, तो इसकी शॉर्टकट की होती है क्या, एम ई, क्या होती है, एम ई, और एंटर मार दो. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप ये लाइन सिलेक्ट कर लो. अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना चाहिए, 5 कर दीजिए सर या फिर 4 कर दीजिए. 4 करेंगे तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे. 5 बनेंगे, तो आपको इसमें 4 डिस्टेंस दे दो. तो इसमें सारे देखो आपके 4 4 के बन रहे, 1 2 3 4 5 बन गया. ठीक है, दोनों है एक ही कमांड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट पे हम वर्क करते हैं और इसमें सेगमेंट की लेंथ पे डिपेंड करते हैं. ठीक है सर, इसमें भी और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डिवाइड नहीं होगा, कौन सा वाला, हाँ वो ऑब्जेक्ट. हाँ, अगर आप इसको डिलीट भी कर दोगे ना लाइन को, तब भी आपके पॉइंट देखो वहीं के वहीं रह जाएंगे, पॉइंट रह जाएगा. हाँ, वो ब्रेक नहीं है आपकी लाइन वहां से. ओके, ठीक है, ठीक है सर, आ गया समझ. हाँ हाँ, बिल्कुल. ठीक है, आज का हम इतना ही बता रहे हैं.